Hello everybody, this is Dr. Vani and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, jo bhi sirf 7 months pehle hi shuru hua hai, aapki bio-related sari queries ke liye. We would like ki aap log hamare channel ko like, share, subscribe zarur kijiye bachcho. That gives us the attention, the love and you know the feedback ki hum aapke liye aur amazing concepts roll karke lekar aaye. So make sure my dear children that all of you send us a thumbs up with like, share, subscribe. Please do that. We really really would love your you know feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. You're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहां पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु _ बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है वी डी नीट, ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो वी डी नोट कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो वी डी टेस्ट राइट vdnt.in/vdtest पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है vdnt.in/neetcrashcourse पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ दिस रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट 16 क्वेश्चंस हैड कम फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रिमेन्स टू बी इम्यूनोलॉजी. देयरफॉर इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई डोंट वॉन्ट एनीबडी इन माई क्लास टू मिस इट. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का सुपर ऑसम टॉपिक इम्यूनोलॉजी. यस एवरीवन, सो एज यू आस्क्ड, कैन यू सी अ ब्लैक स्क्रीन? That's what you ask. Whatever you ask, we always give you. So let's start with a blank screen and I'll make one mind map on immunology and then we'll go back to questions. Cool? Give me a high five. Let's start with immunology. Yes, everybody? Chaliye. So let's start with immunology. Pure black screen as you can see so that you are able to see the maximum. Take out your pens and papers. Take out your pens and papers and I will make sure that your books, your copies, everything is marked. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद इम्यूनोलॉजी माइंड मैप नंबर वन. कैन यू ऑल सी दिस एवरीबडी? कैन यू ऑल सी दिस? आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन इन माई क्लास. वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स. डायरेक्ट एमसीक्यूज विल कम फ्रॉम हियर. प्योर ब्लैक एंड लेट्स सी. लेट्स मूव टू इम्यूनोलॉजी. राइट, वॉट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द अबिलिटी टू फाइट. द बॉडीज इम्यूनिटी टू फाइट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इन एड्स, दैट पर्सन्स बॉडी कैन नॉट फाइट. सो इम्यूनिटी इज द अबिलिटी टू फाइट. अबिलिटी टू फाइट. कैन एनीबडी इन द क्लास टेल मी हाउ इज इम्यूनिटी रिलेटेड टू विटामिन सी? जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको विटामिन सी के लॉजेंजेस चूसने को दिए जाते हैं. कैन एनीबडी टेल मी? इम्यूनिटी तो बी सेल्स टी सेल की वजह से होती है. हाउ इज इट रिलेटेड टू विटामिन सी? एनीबडी? विटामिन सी जो होता है, बड़ा हाई लेवल की चीज बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा. विटामिन सी जो होता है वो प्रो कोलेजन जो अभी तक कोलेजन नहीं बना है, प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करता है. बच्चों ये माइंड मैप्स बनाना मैं बहुत इंजॉय करती हूं बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन मेक दीज माइंड मैप्स. इसके लिए आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तब आप उतनी क्लैरिटी से सब्जेक्ट एक ब्लैंक स्क्रीन पे पेंटिंग की तरह होता है ये. तो मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूं माइंड मैप्स बनाना. आई होप आप बहुत इंजॉय करो ये क्लासेस विच आई एम स्पेशली डूइंग ओनली फॉर यू. ऐसी क्लासेस हम पेड क्लासेस लेते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम.
This is my USP. This is my strength. This is what I feel that I have learned over the course of the last 10 years and I'm doing. I hope you enjoy these mind maps as much as I enjoy making them for you. Yes, chaliye. So, pro-collagen ko collagen banana vitamin C ka kaam hota hai. Collagen hamari skin mein hota hai aur hamari skin ko strength deta hai. Isiliye, agar vitamin C ki deficiency ho jaye, to pro-collagen jo immature collagen hota hai, wo collagen mein convert nahi hota hai. Now, when this immature collagen mein convert nahi hota, your skin remains weak because ye sirf C ki wajah se hi convert ho raha hai. Agar C nahi hoga, to pro collagen mein nahi banega. And if the collagen is not made, then the epithelium breaks down, jaisa ki kisi ne scurvy likha hai, epithelium breakdown hogi to ulcer ho jayenge. Epithelium breakdown hokar ulcer hona scurvy kehlata hai. But the most important thing is, jab epithelium breakdown ho jayegi, the bacteria can enter the skin because there are ulcers in the mouth and everywhere else. So when the epithelium breaks down, the bacteria are able to enter the skin. And when they do enter the skin, my dear kids, that is the time that they cause problems. Is that clear? Is that clear, everybody? So immunity is related to vitamin C. How? Because of the strength of collagen. If collagen is weak, it causes scurvy. But what? That is basically ulcers, vitamin C deficiency, bacteria enter the skin. यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बताती हूँ. You know, sailor disease कहा जाता है scurvy को. AIIMS का question था, NEET के high level question में आ सकता है. Scurvy को sailor's disease कहा जाता था, right? और scurvy को trench mouth कहा जाता है. This is a MCQ hot question. Trench mouth. Trench was in World War II. World War II के time पे जो allies के soldiers थे, वो trenches guard कर Germans के against कितनी देर बैठे रहते थे. They were not getting fresh food. Fresh food में, fruits में vitamin C होता है. So when they were not getting fresh food, they had ulcers in the mouth. Ulcers की वजह से वो brush नहीं कर पाते थे because ulcers इतना दर्द करते थे. That is the time their mouth really started to smell bad and they had ulcers which was called as trench mouth. Sailor's disease because sailors भी कितनी देर sail करते हैं and they don't get fresh food to eat. In both these conditions, vitamin C becomes deficient. They are the two other name for scurvy. Is this clear? How beautiful the mind map is looking already. Can we move ahead and talk about immunity again? Can we move ahead and talk about immunity on my screen, please, guys? Yes? Done? Any doubts? So, what all can be an MCQ question? Let me draw a star. I think this can be an MCQ question. This can be an MCQ question. Scurvy can be an MCQ question. Collagen, not keratin, can be an MCQ question. Immunity is ability to fight. Vitamin C dependent hota hai, MCQ question. So I have 1, 2, 3, 4, 5 good MCQ questions which can come from only this much. Not vitamin B12. Vitamin B12 causes pernicious anemia. Okay, Atiya. So let's move ahead. Immunity se related, pehle hum kuch words ko understand karte so that we are able to understand this. Right? So that we are really able to understand this entire thing. Okay? Chaliye. So let's move ahead and let's try and understand the words. Also, one more thing, my dear kids. Yes, everybody. Absolutely. Absolutely. Thank you, Rohan. Let's move ahead. So when we come to immunology, my dear kids, I am going to talk about another word called virulence, which is very much related to it. Bahut MCQs aate hain aur bachche isko bahut miss kar jate hain. Now here, I'm going to be talking about two words. Pin drop silence, an absolutely, absolutely amazing class we're going to have today. Virulence ka matlab hota hai, disease causing ability. Iska basic matlab samjho, fir hum aage badhenge. Disease causing ability. Is word ko samajhne ki koshish karo. Aur is word ko yaad rakho. That it is a disease causing ability. The ability to cause disease is called as virulence. What is virulence? It's the ability to cause disease. Virulence. Teacher, teaching. Teacher, who teaches? Simple. So you can be a good teacher or a bad teacher. That's a different thing. But virulence is the ability to cause disease.
इफ समबडी डज नॉट कॉज डिजीज, द वर्ड ए जब भी आएगा ना आपके सामने, द वर्ड ए ऑलवेज मीन्स एब्सेंस. वॉट डज द वर्ड ए मीन? एब्सेंस. सो ए विरुलेंट इज इनएबिलिटी टू कॉज डिजीज, इनएबिलिटी टू कॉज डिजीज. यहां पे मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूं. सो वी विल हॉल्ट फॉर सम टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अबिलिटी टू कॉज डिजीज पे आगे आ जाइए. अबिलिटी टू कॉज डिजीज या जिसको मैं विरुलेंस कहती हूं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के साथ लिंक्ड है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ लिंक्ड है. वो चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के साथ लिंक्ड है उसको कहते हैं एंटीजन. एंटीजन, एंटीजन दो तरह के होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए. एक होता है सेल्फ एंटीजन. कौन सा एंटीजन? सेल्फ एंटीजन. और एक होता है फॉरेन एंटीजन. देखो मैंने थोड़ी जगह छोड़ के लिखा है सो दैट आई एम एबल टू राइट इट डाउन फॉर यू. सेल्फ एंटीजन को बॉडी रेकग्नाइज करती है. थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको. सेल्फ एंटीजन को बॉडी रेकग्नाइज करती है. यस गाइज, एंड मेक श्योर यू लाइक द लेक्चर. सेल्फ एंटीजन को बॉडी रेकग्नाइज करती है. क्या करती है? रेकग्नाइज, और अटैक नहीं करती. अटैक के आगे मैं क्या बना रही हूं? क्रॉस. जस्ट इन केस बॉडी इसको नॉट रेकग्नाइज करे और अटैक करना शुरू कर दे, एंड अटैक लिख देती हूं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मायास्थीनिया ग्रेविस. Autoimmune disorder, systemic lupus erythematosus, that's called a autoimmune disorder. Is that clear? Right? Systemic lupus erythematosus, lupus, SLE, myasthenia gravis, these are all autoimmune disorders. Foreign antigen ko body immediately recognize karti hai with the help of something which is called as major histocompatibility complex. AIIMS level, HOTS level, top level questions. Major histocompatibility complex direct recognize karegi body because of MHC. Aur isko attack karegi. Very important. How do we recognize foreign antigens? We recognize foreign antigens. What are antigens? Jo disease causing ability. Kisi bhi foreign substance mein antigens honge. Any foreign substance will have antigens and we will immediately be able to recognize them with the help of major histocompatibility complexes. Is that clear? Yes. Thank you, Umema. Right? Major histocompatibility. And we will attack them. We will always attack them through the antigen antibody complex, jisko main detail mein aapko samjhane wali hu in the following classes, structure of antigen antibody. So that's your MHC. Yes, MHC के सब पार्ट होते हैं. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA-1, HLA-2, MHC, HLA. MHC और HLA एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉज करते हैं जिसपे हंड्रेड्स ऑफ MCQ आ चुके हैं. दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन. ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन सुना है आप लोगों ने, जिसकी वजह से हम ऑर्गन्स को रिजेक्ट करते हैं. राइट, जिसकी वजह से हम ऑर्गन्स को रिजेक्ट करते हैं. एनसीईआरटी में सब कुछ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन. राइट, एमएचसी एंटीजन में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में है. ये टी सेल्स रिजेक्ट करते हैं, किलर टी सेल्स जो होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं. राइट, ऑटो इम्यून है, सेल्फ एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है. डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिखा, आपको समझ में नहीं आता. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पर मैं बहुत जल्दी आने वाली हूं. अंडरस्टूड? तो अब आ जाइए आप ए विरुलेंट पे. ए विरुलेंट इज द इनएबिलिटी टू कॉज डिजीज. इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट. यू रिमेंबर द माउस एक्सपेरिमेंट डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ? दैट वाज ऑन ए विरुलेंट एंड विरुलेंट. सो ए विरुलेंट जो डिजीज कर पाए उसको नाम दे दिया मैंने विरुलेंट. क्या नाम दे दिया उसको मैंने, जो डिजीज कर पा रहा है? विरुलेंट. विरुलेंट हैज द एबिलिटी टू cause disease. It has the ability to cause disease. Usually it is because it is covered by a capsule. Antigens hote hain, ye cause disease karta hai. Any doubts? Ab main ek star bana deti hu jo jo aata hai. A virulent, virulent, graft versus host reaction, tough MCQ, antigen MHC MCQ,
ऑटोइम्यून एमसीक्यू, एग्जाम्पल्स एमसीक्यू. सो आप देखिए एक सिंपल माइंड मैप में से कितने ज्यादा एमसीक्यू आते हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एमसीक्यू, एनी डाउट्स, क्लिक अ स्नैपशॉट. इसको थोड़ा नीचे कर देते, क्लिक अ स्नैपशॉट. डन डन एवरीबडी. पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, यस. चलिए, टू गिव, टू सप्रेस इट वी गिव साइक्लोस्पोरिन. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रोफ्स? लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, चारा, नाइट्रोसोमोनास. आई हैव डन इट विद यू, मैंने कराया है आपको, माइंड मैप बनाया है इसका. नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्राइपेनसोमा, पोरफायरा, वुल्फिया. चलिए 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 चलिए, कम ऑन आंसर. शिवाजी नगर, आर यू राइट? इट इज बी, समस्तीपुर. कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. 5, 4, 3, 2, 1, 6. I think majority of you have answered well. That's really good. Photoautotrophs, Nostoc, Chara, Porphyra, Wulfia, Chemoautotroph, Nitrosomonas, Nitrobacter. Total autotrophs will be 6. Chemoautotrophs don't break water. Chemoautotrophs पानी को नहीं तोड़ते हैं. They break down H2S and things like that. राइट एवरीबडी, उनका सोर्स ऑफ एच इज नॉट वॉटर. फोटो ऑटोट्रोफ्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन वॉटर, देयर सोर्स ऑफ एच इज वॉटर. डन. सो देयर आर टोटल ऑफ 9. एक्सलेंट. एंड जस्ट स्टिक टू द क्लास, अनदर 10 क्वेश्चंस, नॉट इवन 10 मिनट्स. वील गो लाइक दिस एंड आफ्टर दैट आई विल डू द बेस्ट माइंड मैप ऑफ इम्यूनिटी. डन, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट, अ मोनोकॉट रूट हैज इनकॉन्स्पिकुअस एन्युअल रिंग्स, रिलेटिवली थिकर पेरिडर्म, मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, मेनी जाइलम बंडल्स. चलिए बताइए. Yes, dicot root is tetrarch while monocot polyarch conditions is present. Many xylem bundles, polyarch, polyarch. A dicot root is tetrarch, आपको पता होना चाहिए, yes or no? Polyarch conditions are present. Cool everybody, okay. चलिए next question on your screen please. Which of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? किसी में भी एक्सेप्शन नहीं. टफ क्वेश्चंस बेटा, अच्छे सोचने वाले क्वेश्चंस है. चलिए बताइए. वेरी टफ, वेरी सोचने वाले क्वेश्चंस. नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट. चलिए बताइए. देयर इज नो एक्सेप्शन. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. 5, 4, 3. यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. 2, 1, and all bony fishes have 4 pair of gills and an operculum. This is, there is no exception to it on each side, right? All sponges are not marine, some are freshwater sponges. All animals are viviparous. What about platypus? All reptiles possess 4, no 3-chambered. Crocodile have 4-chambered. Crocodile, 4-chambered. Platypus, right? So it is only the first one. Operculum is the flap. Operculum pe kam se kam 10 question aa chuke hai already. All bony fishes have a operculum on the covering of the gills. Kam se kam 4 question aa chuke hai. Is that clear? Next one on your screen, please. Good, very good question. Come on, iske baad hame mind map bhi karna hai. Jaldi kariye, jaldi kariye. 5, 4, 3, 2. Yes. चलिए. Yes, it's such a easy question. Temperature and light, क्या आपने temperature का वजह से vernalization होता है?
वर्नलाइजेशन में आपको समझाती हूँ, अमेजिंग माइंड मैप बनाती हूँ। लाइट की वजह से आपका फोटो पीरियड होता है, क्या होता है माइंड, इसका भी माइंड मैप बना लीजिए, फोटो पीरियड। अगर लाइट कम हो रही है, अगर लाइट कम हो रही है तो उसको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, अगर लाइट ज्यादा हो रही है तो उसको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, और अगर लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम उसको डे लाइट न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट होता है, ये बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ अ प्लांट टेक्स 2 years टू फ्लावर, आई रिपीट, इफ अ प्लांट टेक्स 2 years टू फ्लावर, आई कॉल इट अ बायनियल प्लांट, बिकॉज उसकी लाइफ साइकिल 2 सालों में पूरी होगी। इफ आई कन्वर्ट अ बायनियल प्लांट टू अ एनुअल प्लांट, दैट मीन्स कहां पर वो पहले 2 साल में फ्लावरिंग करता था, अभी इट इज गोइंग टू फ्लावर ओनली इन 1 year। सो आई कन्वर्ट अ बायनियल प्लांट टू एन एनुअल प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। दिस इज डन बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, बिकॉज फर्स्ट ईयर में दिस इज डन बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आई वुड हैव ओनली कॉज्ड ग्रोथ ऑफ लीव्स, द फ्लावर्स वुड हैव कम इन द सेकेंड ईयर, बट वेन आई एक्सपोज अ सीड टू कोल्ड, उसको लगता है कि सर्दी पहले साल की पार हो गई। तो अगर आप एक बीज को कोल्ड ट्रीटमेंट दे दोगे और फिर उगाओगे, देन दैट प्लांट विल ग्रो इन टू अ कंप्लीट रॉबस्ट ट्री इन जस्ट अबाउट 1 year, that's called as vernalization. Biennial is anything which grow takes 2 years to grow. जिसको बहुत साल लगते हैं ग्रोने में, we call it perennial, right? Temperature and light closure of stomata, not really. It's not as important as flowering. Flowering पे ज़्यादा control है, stomata पे कम control है. चलिए next one. सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यस आतिका वोरा, यू आंसर कंप्लीटली राइट, प्लांट्स आर ब्यूटिफुल एंड मैजिकल हर्षित, कम ऑन ऑल ऑफ यू, नो किरण प्रीत, वी आर नॉट डूइंग दैट, वेरी गुड सयान, कम ऑन फास्ट ऑल ऑफ यू, वी हैव टू ड्रॉ अ माइंड मैप फास्ट। द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it's called the luteal phase and lasts for about 13 days. Secretory phase is the phase under corpus luteum, because the corpus luteum is going to secrete progesterone, which increases the thickness of the endometrium. Corpus luteum secretes progesterone, progesterone increases the thickness of the endometrium. That's called your secretory phase. Is that clear, everybody? Is that clear? Done? Yes, everybody? Chaliye. Next one. Which of the following pairs of animals is similar to each other pertaining to the feature stated against them? Chaliye, inme se kaun si cheez sahi hai, similar? Garden lizard and crocodile, three-chambered, Ascaris anclostoma, metamoric annelida hai kya, seahorse and flying fish, or Pteropus and Ornithorhynchus. Ornithorhynchus is platypus. Platypus है, जल्दी करिए, yes, good, 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 good. Seahorse and flying fish are cold blooded. Crocodile is four-chambered. They are not metameric segmentation. Leech is metameric segmentation. Annelids are metameric segmentation. They don't have metameric segmentation. Ascaris lumbricoides does not have metameric segmentation. It's not viviparous, giving birth to live young ones. Ornithorhynchus is platypus. Platypus does not give birth to live young ones. Platypus is an egg-laying mammal. Platypus is an egg-laying mammal. Hai. Galat answer diya aapne. Is that clear? Yes? Is that clear, everybody? Crocodile ka four-chambered heart hai. Ankylostoma mein metameric segmentation nahi hota hai. Ornithorhynchus, egg-laying mammal hai. It's an egg-laying mammal. Chaliye, next question. Next question. Biodiversity ke baare mein theek bataiye jaldi. Bata to diya. समस्तीपुर और कितना बताएं आपको, चलिए नो वरीज, हर्षदा भी ठीक करो, कम ऑन ठीक करिए, चलिए कोशिश करिए ठीक करने का, 5, 4 जितने क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे हर बार हम कुछ सीखेंगे, इट बी सो गुड, एवरी टाइम वी विल लर्न समथिंग, 5, 4, 3, 2,
वन बायोडाइवर्सिटी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था. अगर आपने वी बायोटॉनिक की बायोडाइवर्सिटी की क्लास लगाई होती तो आज आपका ये वाला आंसर गलत नहीं होता. कितने बच्चों ने मेरी बायोडाइवर्सिटी की क्लास लगाई थी? कम ऑन रेज योर हैंड्स. कम ऑन. तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, मुझे अभी तक बहुत क्लियरली याद है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयस. और मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया था, मैंने आपको बताया था पूरा कोंकण कोस्ट, पूरे का पूरा कोंकण कोस्ट. मैंने आपको मैंगलोर से रत्नागिरी तक बताया था कि दैट मैंगलोर से रत्नागिरी पूरा कोंकण कोस्ट और ईस्टर्न हिमालयस मैंने आपको बताया था. और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर मैंने एक फर्न की वेराइटी ढूंढी है जो इंडेंजर्ड फर्न थी, उसकी फोटो मैं डालूंगी. मैंने आपको ये भी बताया था ये इंडेंजर्ड फर्न की वेराइटी जो मैंने ढूंढी है ये मुझे ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाली हुई है इंडेंजर्ड फर्न की वैरायटी. तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ दैट फॉर बायो यू डोंट हैव टू गो टू एनी अदर चैनल. इफ यू ओनली अटेंड वी बायोटॉनिक आई प्रॉमिस यू विल गेट 360 ऑन 360. इज दैट क्लियर? चलिए करिए नेक्स्ट वन. प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर पॉलिनेटेड बाय. चलिए बताया था ना स्नेहा, चलिए प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन ऑफ यू ओव्यूज आर जनरली पॉलिनेटेड बाय वन वन वन. बंडल में बल्क में कौन प्रोड्यूस होता है? राइट. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जनरली हैव वन ऑफ यू ओव्यूल इन ओवरी. इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन ऑफ ईच ओव्यूल. एनिमोफिली. यस एवरीबडी. राइट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यस चलिए. So let's do the next question, guys. Consider the four statements and select the option which include all the correct ones only. Chaliye. Chaliye. Come on, come on. Fast. Yes, questions दिखाई दे रहे हैं ना clearly. चलिए what is यहाँ इतना इसका आंसर कहाँ गया? Consider the following four statements, select which one has the correct ones only. बताइए 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 बताइए. A, B, C, all correct. A rice variety has been developed which is where? I think ये पूरा यहां है. ये रहा ये रहा ये रहा. चलिए this is the complete question. चलिए ए है आंसर. आर यू श्योर? आर यू श्योर इट इज ए? नो. सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन. इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं. इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं. सिंगल सेल प्रोटीन. और बेटा ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कम से कम 10 times आ चुका है. 10 times. अगर मैंने आपको सारे पेपर, और ये मेरी आपसे गारंटी है, मैं आपको सारे पेपर करवा दूंगी बहुत अच्छी डिस्कशन के साथ, बट यू विल हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द क्लास. राइट. तो ये कम से कम 10 times आ चुका है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेटमेंट ए एंड बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट. सो विटामिन सी का काम नहीं है, टॉक्सिक होते हैं. विच इज वेरी रिच इन, तो लिखा ही नहीं है. न्यू वेराइटी ऑफ राइस जिस इज वेरी रिच इन विटामिन ए बट इट इज नॉट फॉर कंजम्पशन. कंज्यूम करने के लिए नहीं बनाए. सो आंसर इज ए एंड बी. चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. वेरी गुड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. चलिए बताइए. चलिए चलिए बताइए. कम ऑन. गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. राइट. व्हाट इज एंटीसेंस? देखो बेटा जो नेमेटोड है, नेमेटोड है वो आरएनए बना रहा है और ये आरएनए आगे चल के टोबैको प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ताकि इसके ऊपर आकर द
tRNA can come and attach and bring amino acid. So हमने क्या किया, हमने इस RNA को double stranded कर दिया. And when I made this RNA double stranded, the RNA could not produce what it has to produce, and that was the biggest problem. मैंने RNA को double stranded कर दिया, RNA को double stranded कर दिया ताकि tRNA attach ना हो सके, is a antisense technology. It is a antisense technology, right? So that makes it over. Bye, kids. We'll end the class here. I'm going to see you tomorrow with a bumper, super cool class. Thank you so much for coming today. Paper discussion will happen every day. Yes, bye. Stay in touch. Special class coming in the evening also. Bye, kids. Bye.